हाय गाइस, वेलकम टू सीक्रेट ऑफ फ्लेवर्स। आप काफ़ी बार सोचते होगे कि यार ये मार्केट में मिलने वाला हर्षीज सिरप और जो हम ग्यानीज पे हॉट चॉकलेट फज खाते हैं वो चॉकलेट सॉस कैसे बनती है। तो फाइनली आज मैं एग्जैक्ट सेम रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एग्जैक्ट सेम रेसिपी मिले। तो चॉकलेट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाफ कप कोको पाउडर यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर विकफील का कोको पाउडर लिया है, पर आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 3/4 कप ऑफ शुगर ली है, यानी आधे कप से भी ऊपर। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऑफ वाटर लिया है, यानी हम जितना कोको पाउडर लेंगे उतना ही हमें पानी भी लेना है। देन यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर लिया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना। ये बेसिकली हमारी सॉस को थोड़ा सा थिकन करने में मदद करेगा। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट आई एम टेकिंग इज अमूल बटर। हमें इसके सिर्फ 3/4 क्यूब्स या 2 टेबल स्पून ऑफ बटर ही यूज़ करना है। तो चॉकलेट सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉयलर ले लिया है, एंड इसमें सबसे पहले हमने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कोको पाउडर डाल लिया है, एंड मेक श्योर कि आपको इस स्टेज पे अभी गैस नहीं चलानी, क्योंकि अभी सिर्फ हम इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे हैं। देन इसके बाद यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर दूँगी, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। एंड प्लीज़ ध्यान रखें, कॉर्नफ्लोर हमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा थिक सॉस के साथ एंड अप कर जाओगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लेती हूँ। तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड अभी हमने गैस ऑन नहीं करी है, पहले हम सब कुछ मिक्स कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। तो अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड बटर इस स्टेज पे नहीं डलता, तो अभी हम इसमें वो ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल लास्ट में उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे सारा मिक्सचर मिक्स हो चुका है अच्छे से। सो नाउ इज़ द टाइम कि हम गैस ऑन करेंगे। तो अब मैं गैस ऑन कर लूँगी। तो अब हमें चॉकलेट सॉस को अच्छे से कुक होने देना है, जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता, और हम इसे बीच बीच में स्टर भी करते रहेंगे। तो हम देख सकते हैं कि सॉस में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसे बीच बीच में, अब मैंने जैसे कहा था, हम स्टर करेंगे एंड इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, और 2-3 मिनट के लिए ही सिर्फ कुक करेंगे सॉस को, क्योंकि हमें ओवर कुक नहीं करना। क्योंकि अगर हमने ओवर कुक कर दिया तो सॉस थिक हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो इसलिए सिर्फ हम इसे परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक ही कुक करेंगे, क्योंकि जब ये बन जाएगी उसके बाद हल्की सी थिक ये खुद ही हो जाएगी। तो हमारी चॉकलेट सॉस ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, बस एक लास्ट स्टेप रह गया है। पर उससे पहले मैं गैस को यहाँ पर ऑफ कर लूँगी, एंड उसके बाद मैं आपको पहले यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ हमारी सॉस की। हम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी लग रही है इसकी, कितना परफेक्ट टेक्सचर है हमारी सॉस का। तो अब हम लास्ट स्टेप करेंगे, दैट इज़ टू ऐड द बटर। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 4 क्यूब्स ऑफ बटर ले रही हूँ, एंड मैं इसे सॉस में ऐड कर लूँगी। एंड आई मस्ट टेल यू कि इस सॉस में बटर डालने के बाद इस सॉस का जो टेस्ट है एंड जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ट्रस्ट मी। एंड हमें ध्यान रखना है कि हमें गरम चॉकलेट सॉस में ही बटर को ऐड करना है, क्योंकि वो तभी उसमें अच्छे से डिजॉल्व हो पाएगा और अच्छा सा टेक्सचर और टेस्ट दे पाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी चॉकलेट सॉस एकदम रेडी है, और कितनी ज़्यादा स्मूद एंड सिल्की लग रही है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप ये चॉकलेट सॉस ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। एंड आप इसे अपनी ब्राउनीज़ के साथ, संडेज़ के साथ, चूरोस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय करके खा सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।